गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, नमस्कार। सलाम अलैकुम। क्या आप मुझे सुन पा रहे? आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी? यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, ओके, गुड। कल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग प्रोग्राम को ठीक से कर नहीं पाए थे। सो वेलकम एवरीवन, राइट। कल हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा एपोलॉजी मांगता हूँ, कुडंट डू द प्रोग्राम प्रॉपरली, बट आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क टुडे, आई डोंट, आई शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सो आप सबको बहुत ही हार्दिक स्वागत, सबको नमस्कार। एंड आई थिंक सब लोग का बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन में भी हम लोग लॉकडाउन नहीं है, हम लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप सो, आई फील सो। सो चलिए, कल का जो टॉपिक था थायराइड के ऊपर, उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पूरी तरह उसको नहीं देखे जा पाए आगे तक बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशूज। सो मैं बैक टू स्पीकिंग से आता हूँ, क्योंकि शायद मेरा कल स्पीच में भी कोई कोई बात ऐसा प्लस माइनस हो रहा था बिकॉज ऑफ नेटवर्क पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा था। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, और थायराइड के ऊपर ही बात होगा, थायराइड ग्लैंड एंड कोविड लॉकडाउन। लॉकडाउन के वजह से क्यों थायराइड के प्रॉब्लम्स इतना बढ़ गए, व्हाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सो मच थायराइड प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड, दैट इज द टॉपिक। सो टू अंडरस्टैंड द थायराइड प्रॉब्लम्स, राइट, हमारा थायराइड ग्लैंड के इश्यूज के बारे में समझने के लिए, लॉकडाउन के लॉकडाउन से रिलेटेड थायराइड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, सबसे पहले ये समझने की थायराइड ग्लैंड है क्या, उसका फंक्शन है क्या, तब समझ पाएंगे कि कोविड लॉकडाउन ने प्रॉब्लम किया क्या, राइट। सो आपको सबसे पहले समझना है थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, एक तितली मतलब हम लोग एक्टिव है, हमारा ब्रेन बॉडी चल रहा है, हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत हाईली काम कर रहे हैं। रात को जब सोने के लिए जाते हैं, हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो छोटा सा ग्लैंड है वो उस टाइम काम करता है। उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शन, मतलब जैसे सूरज दिन में, सूरज रात को चांद, ऐसे बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को चांद भी उजाला देता है, दिन में सूरज उजाला देता है। सूरज का उजाला थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चांद का थोड़ा हल्का है, बट दोनों ही उजाला देते हैं। सो यू कैन से द सन एंड द मून, दे बहुत एंटेगोनिस्टिक, ये दिन में आता है वो रात को आता है, या उसके वजह से रात होती है इसके वजह से दिन होता है, कुछ ऐसे बोल सकते। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, राइट, बट बोथ इन द डिफरेंट टाइम और अपोजिट टाइम, दिन और रात, ऐसे सोच सकते हैं। उसके साथ छोटा सा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, दोनों एंटेगोनिस्ट है, इसको एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। सो ये दिन में एक्टिवेटिंग काम में ज्यादा फोकस रखता है थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड। रात को जब हम सोते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा ब्रेन पूरी तरह शांत होता है, उस टाइम पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेटेडली काम करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थायरॉयड ग्लैंड का पर्टिकुलर? सी, अब थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन को मैं फंक्शन के ऊपर आता हूँ। फंक्शन को समझने से पहले बॉडी का जो एक शब्द है, जो काफी टाइम हम लोग इसमें बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, काफी टाइम मैं इसका प्रोग्राम भी दे चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म आपने काफी टाइम सुना है मेरे से ये शब्द मेटाबॉलिज्म। आपने काफी बार ऐसे भी दुनिया में मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म खराब है, मेटाबॉलिज्म ठीक है किसी का, व्हाट इज एक्चुअली मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो बॉडी है उसका जो एक्टिविटी स्पीड। अगर आपका बॉडी एक गाड़ी है, कार, इंजन, ऐसे सोचिए इंजन, वो इंजन है मेटाबॉलिज्म। अगर ये जबरदस्त है, इंजन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, तो आपके सब फंक्शन बेहतरीन होगा। और अगर आपके इंजन में कुछ गड़बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शंस में गड़बड़ी होगा। सो मेटाबॉलिज्म किस प्रकार के होते हैं? जैसे मेटाबॉलिज्म है क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने खाना खाया लंच टाइम पर, आपने खाना खाया, खाने के बाद हजम हो गया, डाइजेस्ट अच्छे से हो गया, होने के बाद वो मसल में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, और तो एनर्जी में भी परिवर्तन हो गया, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मींस यू टुक योर फूड, एज द फूड वेंट इनसाइड योर गट, आफ्टर दैट इट गॉट डाइजेस्टेड, आफ्टर दैट इट गॉट एब्जॉर्ब्ड, then it got converted into energy. इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया अच्छा रहेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे आपने पानी पिया, काफी सारे पानी पी रहे हो, आपको सुसु आ रहा है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। एवरीथिंग इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म मतलब एक्टिविटी, बॉडी के अंदर का एक्टिविटी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बॉडी के अंदर का अगर एक्टिविटी बहुत ही तगड़ा रहे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करे, तो आपका बाहर का एक्टिविटी भी अच्छा रहेगा।
तो मेटाबॉलिज्म होता है एक राइट, मतलब गुड मेटाबॉलिज्म, एक फास्ट मेटाबॉलिज्म, एक स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस आदमी के अंदर स्लो मेटाबॉलिज्म है उसका होता क्या, वो खाता इतना सा है, लेकिन मेरे हाथ को देखो, खाता इतना सा है, मोटा इतना होता है, जो भी खाता है वो फूल जाता है। जिसका जिसका गुड मेटाबॉलिज्म है, अगर आपका हमारा गुड मेटाबॉलिज्म है, तो हम जो खाएंगे उसका एक पोर्शन हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मैंने लगेगा बॉडी में, बाकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, निकल जाएगा। वो उसको बोलते पर रेशियो, राइट रेशियो में काम होगा, मतलब ना खाना ज्यादा जमेगा, ना खाना ज्यादा एनर्जी में परिवर्तन होगा, ना खाना ज्यादा निकलेगा, राइट पोर्शन में वो खाना हमारे बॉडी में रह जाएगा। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, जरूरत ज्यादा फास्ट। उसमें क्या हो जाता है कि आप जितना भी खाएं, सपोज बहुत हाई बर्गर, फास्ट फूड, बिरयानी शिरयानी, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, फिर भी आपके बॉडी पतला सा। आपने क्या कभी किसी को देखा है, मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, आपने जरूर किसी को देखा होगा जो बहुत खाना खाता है फिर भी दुबला पतला रस्सी जैसा है, खाता रहता है, मतलब उसका वो खाना मतलब हमसे 5 गुना खा सकता है, इतना सारा पूरी भाजी चिकन चिकन नॉनवेज वॉनवेज इतना सारा खा सकता है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खाता पीता रहता है, लेकिन फिर भी उसका कैसे भी मोटा नहीं होता है। मोटा क्या, सॉरी, वो हेल्दी भी नहीं होता, हमेशा एक रस्सी जैसा, ऐसा एकदम दुबला पतला रस्सी ऐसा रहता है। आई थिंक सच पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ फूड बट स्टिल दे आर वेरी थिन, ये आपने देखा होगा, उसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, जरूरत से ज्यादा फास्ट, वो अच्छी बात नहीं। कि आपने किसी को देखा होगा जरूर कि कोई आदमी कम खाना खाते, इतना खाते हो फूल हो जाते, गोल मटोल भंबोल हो जाते, हमटे डमटे हो जाते, खाते इतना फूलता है इतना है, उसका वो मेटाबॉलिज्म, मतलब जो भी खाते हैं सब बॉडी में रह जाते हैं, और बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म है, जो भी बॉडी में कुछ नहीं रहता है, दोनों ही खराब है। जो गुड और राइट मेटाबॉलिज्म, राइट मेटाबॉलिज्म, खाना खाया 100 तो उसका 30-40% बॉडी में रह गया, 30-40% इट मींस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड है। अगर आपका गुड मेटाबॉलिज्म है, एक मात्रा रहेगा बॉडी में, एक मात्रा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक मात्रा बॉडी से आउट हो जाएगा, तो जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, सही मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो बहुत फास्ट है, जैसे आप जानते हैं ना, जब गाड़ी चला रहे हैं तो जैसे हार्ट बीट, आपने सुना ना, हार्ट बीट बहुत स्लो है प्रॉब्लम, बहुत फास्ट है तो प्रॉब्लम, राइट हार्ट बीट है तो एकदम गुड, बिल्कुल बढ़िया होता है, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर किसी का गाड़ी गाड़ी चला रहे तो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, कितना स्पीड में गाड़ी जा रहा है, कितना स्पीड में गाड़ी नहीं जा रहा है, राइट। सो सेम वो आप बोल सकते हैं, हमारे बॉडी का भी जो मेटाबॉलिज्म है, जो प्रोसेस है पूरा, जो हमने प्रोसेस के ऊपर बात की, इसका भी एक स्पीड होता है, इसका एक स्पीड मतलब ये एक्टिविटी का एक स्पीड है, क्या बहुत तेजी से हो रहा है, क्या बहुत धीमा हो रहा है, क्या सही स्पीड से हो रहा है। वी कॉल दिस रेट एज BMR। वन मोर टाइम दोस्तों, वन मोर टाइम, BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मतलब क्या, बेस, बेस मतलब क्या है, नॉर्मल, जैसे हम लोग इस सिचुएशन में हैं, अगर हम लोग सोए रहेंगे तो हम लोग पैसिव हो गए, हम लोग अभी दौड़ने लगे, 5 सीढ़ी चलने लगे तो बहुत एक्टिव हो गए, बट हम लोग जैसे अभी है, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक, बेसल, बेस स्टेज। इस ऐसा एक स्टेबल बॉडी, जब एक स्टेबल स्टेज में है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कितना है, मेटाबॉलिक स्पीड कितना है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। वन मोर टाइम, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जब बॉडी एकदम नॉर्मल जोन में है तो उसका मेटाबॉलिक रेट कितना है, मतलब कितना मेटाबॉलिज्म चल रहा है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का पैरामीटर है। जैसे ब्लड प्रेशर कितना, वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड शुगर कितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिया कितना है, क्रिएटिन कितना, यूरिक एसिड कितना है, वो जितना से इंपॉर्टेंट है, सेम है BMR, मतलब आपका बॉडी का कंप्लीट एक पैरामीटर, कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस स्पीड में चल रहा हो, मतलब गुड स्पीड में चल रहा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना वो फूल जाओगे, ना आप रस्सी जैसा ऐसा हो जाओगे, आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टम सब ठीक रहेगा, माइंड बॉडी दोनों ठीक रहे। वी कॉल इट द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस कौन कौन करता है, एक होता है ना छोटा सा बच्चा है, लेट से 4-5 साल का, जिसका अभी अभी होश आना शुरू हुआ है, तो छोटा सा बच्चा को इन्फ्लुएंस कौन कौन करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित कौन कौन करते हैं, उसका पिताजी करते हैं, माता जी करते हैं, उसका अंकल करते हैं, उसका आंटी करते हैं, उसका बुआ करते हैं, उसका बड़े भाई, दादा दादी, नाना नानी करते हैं। इसका मतलब वो बच्चा कैसे स्वभाव से चलेगा, कैसे टाइप से अपनी जिंदगी जिएगा,
बदमाशी करेगा, नटखट करेगा, अच्छा बच्चा रहेगा, एकदम चुपचाप रहेगा, पढ़ाई ठीक से करेगा, स्कूल बंक मारेगा, उसका जो एक्टिविटीज है, आर यू गेटिंग मी, वो जो छोटा सा बच्चे का जो एक्टिविटी है या बोल सकते लाइफ स्टाइल है, एक्टिविटी है, उसको प्रभावित करने वाले देखिए उसके फादर मदर अंकल आंटी बुआ है ना, दादा दादी नाना नानी, उसका कोई बड़ा भाई छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ा बहन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि छोटा सा बच्चा का एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले को उसके इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। सेम वे हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्पीड एंड एक्शन है, एक्टिविटीज है, उसको भी प्रभावित करने वाले बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स है। जैसे वन ऑफ देम इज द थायरॉयड ग्लैंड, तितली, थायरॉयड ग्लैंड उसमें से एक मेजर ऑर्गन है जिसका 30-40% इन्फ्लुएंस है BMR के ऊपर। हमारा किडनीज है, लिवर है, हार्ट है, हमारा इंटेस्टाइन है, लिम्फ नोड्स है, बहुत सारे और भी ऑर्गेन्स है जिसका इन्फ्लुएंस है जो प्रभावित करता है BMR को। BMR सही टाइप से रहेगा, सही टाइप से नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, गड़बड़ रहेगा, सही रहेगा, उसको प्रभावित करने वाले बॉडी के बहुत सारे ऑर्गेन्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, उसमें से एक है थायरॉयड ग्लैंड जिसका एक मेजर हिस्सा है प्रभाव करने में। आर यू विथ मी? जिसका एक मेजर हिस्सा है प्रभाव करने में। जस्ट लाइक एक छोटा सा बच्चे को प्रभावित करने वाला माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ बहन भाई सब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर मेजर उसको प्रभावित करने वाले उसके माँ बाप ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, वो मैक्सिमम टाइम उनके साथ होते, तो प्रभावित ज्यादा कर सकते हैं उसके माता पिता उसको, उसका लाइफ कैसे चलेगा। सेम वो ऐसे सबसे ज्यादा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला है थायरॉयड ग्लैंड। ये है आपका थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे। तो थायरॉयड ग्लैंड का कई सारे फंक्शन है, बट इस आज के टॉपिक में पर्टिकुलरली BMR के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आपका बॉडी का मेटाबॉल का जो रेट है, मेटाबॉलिज्म का जो 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 चलने चलाचल का उसको उपाय है, उसके ऊपर सबसे बड़ा फोकस है आपका थायरॉयड ग्लैंड का, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अब इस लॉकडाउन के टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए थायरॉयड ग्लैंड पहले से ही प्रभाव करता था, थायरॉयड ग्लैंड का रोल होता था जब से हम पैदा हुए और जब जिंदा है थायरॉयड ग्लैंड का ये प्रभाव हमेशा रहेगा। तो ये लॉक अब ये लेके आपको काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, सबको कंफ्यूजन थे। अब हो क्या गया दोस्तों, जैसे लॉकडाउन हिट हुआ हिंदुस्तान में 25 मार्च को लॉकडाउन हिट हुआ, आपके नेपाल में भी हिट हुआ होगा। तो जैसे लॉकडाउन हिट हुआ अराउंड 30 डेज तक कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ, 30 डेज मतलब एक महीने तक कुछ खास प्रॉब्लम, लेकिन जब दूसरा महीना में पहुंचा तब बहुत सारे लोगों को थायराइड के प्रॉब्लम्स दिखाई दी, थायराइड के प्रॉब्लम्स दिखाई दी। मतलब एक आदमी तो डायरेक्टली ये नहीं समझ सकता है कि थायराइड का ही प्रॉब्लम है बोल के, नॉन मेडिकल पर्सन नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलने लगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बॉडी में होने लगे, मानसिक शारीरिक कुछ ऐसे इश्यूज होने लगे कि इंसान डॉक्टर के पास जाने लगा, डॉक्टर्स को फोन करने लगा, अगर डॉक्टर्स अवेलेबल है तो जाने लगे, जिनको पहले कभी थायराइड प्रॉब्लम नहीं थे, माइंड यू मैं उनका बात कर रहा हूँ जिनका कभी भी पहले थायराइड प्रॉब्लम नहीं थे, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए, कुछ सिम्टम्स शुरू हो गए, वेलकम टू, और उस सिम्टम्स होने की वजह से वो लोग कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने शक किया तुम्हें थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो डॉक्टर ने लैब में टेस्ट कराया, लैब में जाओ टेस्ट करो, लैब में टेस्ट करने के बाद देख रहे हैं उसमें थायराइड का कमी है या थायराइड ज्यादा है या थायराइड प्रॉब्लम और ग्लैंड में इश्यूज है, तो सब लोग चौंक गए, ये डॉक्टर भी चौंक गया जिसका फैमिली में कभी भी थायराइड नहीं था, लास्ट 40 साल से इसको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से लास्ट 1 महीने में थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम ये कहाँ से जग गया, कहाँ से शुरू हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब रिसर्चर अपने रिसर्च में लग गए, मेडिकल रिसर्च अपने रिसर्च में लग गए, बिकॉज़ आई एम आल्सो ऑलवेज attached trap to them, so I keep on getting information, then I find my own words to formulate and you know reach out to you so that आप उसको आसान भाषा में समझ पाए। आपने मेरे टेलीग्राम पेज में भी देखा होगा मैंने थायराइड के इश्यूज के ऊपर वो लिखा था, आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यू हैव विजिटेड एंड व्यूड इट, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। हो क्या गया, जैसे ऐसा सोचिए कि लॉकडाउन हिट हो, तो मैं बोला था थायराइड ग्लैंड का एक बहुत बड़ा रोल है हमें एक्टिवेट करना, एक्टिवेट एक्टिवेशन में एक बड़ा रोल होता है थायराइड ग्लैंड का। तो एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, आपको उम्र है अभी 30 साल, जस्ट टेक एग्जांपल आपको उम्र है 30 इयर्स, 30 साल, तो 30 साल जब से पैदा हुए तब से अभी तक थायराइड ग्लैंड रेगुलरली क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, एक नहीं कई सारे हार्मोन्स बनाते हैं उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, थायराइड हार्मोन्स बनाए, इसने हार्मोन्स बनाया किसके कहने पे, ब्रेन के कहने पे, ब्रेन में है हमारा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में काफी बार हमने बात किया था, ब्रेन के पास है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको सिग्नल किया थायराइड ग्लैंड को, भाई तुम्हारा तो रोज काम है,
अपना काम रोज ड्यूटी अपना करो, तो थायराइड ग्लैंड ने अपना ड्यूटी किया, क्या किया, ड्यूटी करके थायराइड हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन किया। थायराइड ग्लैंड ने, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जो आपके ब्रेन में है, उसने क्या किया, आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजा, रोज भेजता है जैसे कि तुम थायराइड हॉर्मोन्स बनाओ। थायराइड ग्लैंड ने बनाया क्या, थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स कहाँ पहुंचे, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में। हॉर्मोन्स जाके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वो जाके अपना कार्यक्रम करने लगे। कार्यक्रम क्या, हमारे मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल को रखना, एक्टिवेशन करना, एक एक्टिविटी में लाना, ऑटोमेटिक थायराइड ग्लैंड थायराइड हॉर्मोन्स बनाया, थायराइड हॉर्मोन्स जाके ये काम करने लगे। ये तो सिलसिला छोटी उम्र से चलता आ रहा है, जब से पैदा हुआ तब से ये सिलसिला चल रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। व्हाट हैपेंड इन द लॉकडाउन? अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ना आंसर दीजिएगा। ऐसा हो गया कि आपको बाहर काम पे जाना था, लेट्स से आप जहाँ पे भी बैठे, हिंदुस्तान में, नेपाल में, कहीं पे भी बैठे, आपको अभी लेट्स से बाहर काम पे जाना था। यू वॉन्ट टू गो टू वर्क मे बी एट 5 PM, 5 बजे आपको काम करना है। तो आपने क्या किया, आपने माइंड सेट बनाया कि मुझे 5 बजे काम पे जाना है, मैं 5 बजे काम पे जाऊंगा, जाकर अपना काम करूंगा। तो आपने ये सोचा कि मुझे काम करने जाना है, लॉन्ग ड्राइव करके काम पे जाना है, या काफी सारे इंटरेक्शन मुझे करना है, तो मेरा जो दिमाग है वो खुला रहना चाहिए, मतलब जागृत रहना चाहिए, मुझे सोना सोना नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे लंबा गाड़ी चलाना है। तो आपको क्या हुआ, आपने सोचा मैं काम करता हूँ, मुझे तो एटलीस्ट 2-3 घंटे गाड़ी चलाना, अभी हाईवे में बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना है, मेरा झपकी नहीं लगना चाहिए, आई शुड नॉट हैव ए झपकी। तो आपने क्या किया, 3 कप कॉफी पी लिया आपने, ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। तो इमेजिन कीजिएगा, आपने 3 कप कॉफी पी लिया, क्या कॉफी, ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग, बहुत माने कड़वा कॉफी जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब माने तगड़ा कॉफी जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कॉफी होता है। कॉफी में क्या होता है दोस्तों, कैफीन, यू नो दिस वर्ड, कॉफी क्या होता है दोस्तों, मुझे समझ पा रहा है, चैट लिखे सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट वी आर गेटिंग ईच अदर। सो कॉफी में क्या होता है, कैफीन। कैफीन का काम क्या होता है, जगा के रखता है, जागृत रहता होता है ना, आपको कभी नींद आ रहा है, आपने क्या बोलते हैं, कॉफी बनाओ पी लेते हैं, रोड में खड़ा होकर कॉफी पी लेते, बोलते हैं भैया थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाओ, या आप भी खुद एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाते हो, तो आपका क्या होता है, जागृत रहता है ब्रेन, योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड लाइक एनीथिंग। सो ऐसे सोचिए, आज ही शाम को 5 बजे 6 बजे ऐसे कोई टाइम पे आपको बाहर जाने का प्लानिंग है। तो आपने क्या किया, आप 4:30 बजे के टाइम 3 कप ब्लैक कॉफी पी लिया, पूरा एकदम कड़वा, बहुत ही तगड़ा ब्लैक कॉफी, 3 कप फटाफट फटाफट पी लिया। अब ब्लैक कॉफी पीने के बाद तो आप तो यू आर रेडी टू गो आउटसाइड फॉर वर्क। ऐसा हो गया दोस्त, ब्लैक कॉफी आपने पी लिया, जब आप घर से निकले बाहर जाने के लिए, घर से निकल के देख रहे कर्फ्यू लगा हुआ है, नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, वहां पे कोई खड़ा है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप रोड में भी नहीं जा सकते, आप घर में चुपचाप बैठे रहो। ऐसा आपके पास बाहर निकल के मैसेज आए, अरे तो कर्फ्यू है, आई कैन नॉट गो आउटसाइड एनीवेयर, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ, पूरा आर्मी बैड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से पूरा पूरा लॉक्ड, अब आप बाहर नहीं जा सकते, आप गाड़ी गाड़ी तो दूर की बात है, चल के भी बाजार तक नहीं जा सकते। तो अब आप क्या किया, आप घर वापस आ गए, अब रूम वापस आ गए, अब जिस रूम से निकले थे मेबी 10 मिनट 5 मिनट चल के गाड़ी पकड़ने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए वापस आ गए। अब आप सोचे, अरे यार आज तो काम पे जा नहीं सकता हूँ, मैं आज काम पे पॉसिबली नहीं जा नहीं सकता हूँ, पूरा दिन भी घर में भी काम किया, उतने काम करते मैं सो जाता हूँ। आपने क्या डिसाइड किया, आज मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ, यू नो आई विल गो ऑफ टू स्लीप एंड हैव अ गुड नैप, हैव अ गुड स्लीप। लेकिन दोस्त आपने क्या किया था, अगर आपको याद है, आधा घंटे 1 घंटे पहले आपने 3 कप ब्लैक कॉफी पिया, तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब कैसे भी सोने नहीं देता, इतना कैफीन होता है उसके अंदर। तो इस आपका ब्रेन जागता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग टाइम। लेकिन आप घर में क्या हुआ दोस्तों, आप घर में आ गए क्या, वापस रूम पे। रूम पे आप वापस आने के बाद आप क्या चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप सो पाएंगे क्या, वो 3 कप ब्लैक कॉफी आपको सोने देगा, आपको नींद ला के देगा, आपको आराम से नींद आ जाएगा, क्या लगता है? आप अगर मेरे क्वेश्चन को समझ पाए, सिचुएशन को समझ पाए, तो मुझे आंसर दीजिए, क्या आप रूम में वापस आने के बाद यू विल गेट ए गुड स्लीप, इजीली आपको नींद आ जाएगा, अच्छे से आपको नींद आ जाएगा, आप सोने का कोशिश भी करेंगे तो नींद आएगा, नहीं आएगा ना, नो एब्सोल्युटली नो, नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 कप ब्लैक कॉफी में जितना कैफीन था, वो कैफीन ब्लड में तो 6-8 घंटे तक है, 10 घंटे तक भी रहेगा, इतना ज्यादा कैफीन आपने पी लिया है, आप तो कैसे भी वो आपको सोने देगा ही नहीं, यू कांट स्लीप। तो आप सोने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या जागा जागा रहेगा, आप जागृत जागृत रहेंगे,
जब तक उस कैफीन का असर नहीं उतरता, या तो कुछ आप काम कर लोगे जिससे वो कैफीन का असर दूर उतर जाए, फिर आप ऑटोमेटिकली सो पाओ। इट मीन्स व्हाट, आपने ही लिया तो कैफीन जागृत रहने के, जब आप काम नहीं कर पाए वापस आए सोने के लिए सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि उसका काम जागृत रहना है, जागृत करना है कैफीन का काम, इसलिए तो आपने पिया, तो आपको सोने नहीं देते। तो अगर आपको याद है, अब मेरा क्वेश्चन और सिचुएशन को आप समझ गए, अगर आपको याद है मैं काफी टाइम बोल रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हॉर्मोन्स बनाते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स का काम है एक्टिवेशन, एक टाइप का एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब जागृत, जागरण, स्टिमुलेशन, एब्सोर्प्शन, ऐसा एक्टिवेशन, एक्टिवेट करना। थायराइड ग्लैंड ने बना दिया थायराइड हॉर्मोन, थायराइड हॉर्मोन इज रेडी टू नाउ एक्टिवेट, इज रेडी मतलब एक्टिवेट कर रहा है बॉडी को, इज रेडी टू वर्क। लेकिन क्या लॉकडाउन के टाइम हम लोग रेडी टू वर्क थे, वर्क कर पाए क्या, हम लोग घर से बाहर निकल पाए, जाके आपने मीटिंग दे पाए, जाके कोई अपना ऑफिस जा पाया क्या, कोई सोशलाइज कर पाए, कोई मूवी जा पाए, कोई लॉन्ग ड्राइव में जा पाए, कोई दोस्तों से मिल पाए, कोई परिवारों से मिल पाए, कोई कर पाए? नो, इसको बोलते क्या था, लॉकडाउन। जब लॉकडाउन था मतलब हम तो कैसे भी बाहर निकल के, जो वो कैफीन बैठा हुआ है ब्लड में जिसको हम बोल रहे हैं थायराइड हार्मोन, यहाँ पे तो थायराइड हार्मोन का यूटिलाइजेशन तो हम कैसे भी नहीं कर पा रहे, पॉसिबल था, पूरी तरह लॉकडाउन का, कोरोना का डर, या तो पुलिस आर्मी डंडा लेके बैठा है उसका डर, दुकान भी बंद, मॉल भी बंद, जाओगे तो कहाँ जाओगे, कोई आदमी एक दूसरे के घर में जाने अलाउ नहीं कर रहा था। सो इट मीन्स व्हाट, हमारे ब्लड में थायराइड ग्लैंड ने, ब्रेन ने थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दिया, थायराइड अपना ड्यूटी किया ब्रेन ने, थायराइड ग्लैंड ने अपना ड्यूटी किया हॉर्मोन्स बनाया, थायराइड हॉर्मोन्स ब्लड में पहुंचा, लेकिन वो अपना ड्यूटी नहीं कर पाया क्योंकि ड्यूटी करने का उसका सिचुएशन नहीं था। तो क्या हो जाएगा, थायराइड हॉर्मोन्स ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वन मोर टाइम, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा का जमा ही रहेंगे, जमा का जमा ही रहेंगे, मतलब वो तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब सही यूज नहीं हो पा रहा है, सही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्लड में जमा का जमा ही कैसे भी रह जाए, वो यूटिलाइज दोस्तों नहीं हो पाए। प्रोसेस रोज ब्रेन से थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनाया, हार्मोन ब्लड में पहुंचा और वहां पे जमा रहा, यूज नहीं हो पाए, तो हार्मोन्स का, थायराइड हार्मोन्स का अनवांटेड एक्युमुलेशन होगा, इसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन, मतलब जो जरूरत नहीं इतना ज्यादा जम जाएगा, जरूरत से ज्यादा जमना, सब जरूरत ही इतना, मेरे हाथ को देखे, जरूरत ही इतना सा जमना जरूरत है, उसके अगर इतना सा जमा तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, देखिए डिफरेंस इतना, इतना जरूरत है बट इतना हुआ, इट्स ओके, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए और हुआ इतना जमा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, कुछ तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज जिसका जमना चाहिए था वो जाए 500-700, एग्जाम्पल मैं बोला थायराइड हॉर्मोन्स, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अब तो बड़ा झमेला का बात, इट हैज बिकम नाउ सीवियर इशू। तो सिम्टम्स क्या आ जाएंगे, मतलब क्या परेशानी आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, कैफीन ज्यादा लेने से और उसका यूज ना करने से क्या होगा, नींद नहीं आएगा, छटपट छटपट होगा आपको, कुछ करूं करने के लिए है नहीं, तो क्या होगा, अंदर में एक परेशानी सा होगा, ना सो सकता हूँ, ना बाहर जाके काम कर सकता हूँ, चुपचाप जग के बैठना, जगने में इधर उधर ऐसा रेस्टलेस फीलिंग होता है। तो थायराइड हॉर्मोन्स एक्यूमुलेट हो गया ब्लड में, उसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया, इंग्लिश में बोल रहा हूँ रेस्टलेसनेस, वन मोर टाइम, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब रेस्ट करना चाह रहा है, रेस्ट हो नहीं रहा है, पूरा दिन घर में लॉकडाउन है, घर में टाइम ही टाइम था सोने का, आराम से रिलैक्स करके ऐसे करके टीवी देखने का, रेस्ट करने का, सोने का भी नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा, तो एक 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 अजीब सा हलचल हड़बड़, बोलते ना हलचल हड़बड़, अगर रेस्टलेसनेस को समझना है हिंदी में, हलचल और हड़बड़ है, अजीब सा, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप वहां पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वॉट एवर यूर डूइंग, मे बी आप टीवी देख रहे, टीवी का चैनल बदलते रह रहे, टीवी छोड़ दिया, फिर कुछ और करने लगे, फिर और कुछ कर कुछ और करने लगे, और कुछ करके कुछ और करने लगे, लास्ट में कुछ भी नहीं किया, लास्ट में हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ करने लगे, इसको बोलते हैं दोस्तों रेस्टलेसनेस, वन मोर टाइम, रेस्टलेस, थायराइड हॉर्मोन्स तो एक्टिव होकर बैठा है, उसका तो यूटिलाइज नहीं हुआ, वो तो ऐसे चिक 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 जैसे ना पिन लगा रहा है, चिक 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 कर रहा है, वो जम गया है, तो उसका तो इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट हो जाएगा रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, हम लोग डेफिनेटली लॉकडाउन के टाइम फ्रस्ट्रेट तो फील किए होंगे, यू नो वी आर फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, वो बुरा है, ये वो नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन के हिंदी मतलब है, मतलब फेड अप हो चुका है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बंद है ऐसा, क्योंकि
थायराइड हॉर्मोन्स एक्यूमुलेट होते, थायराइड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते आपको खुलना जैसा छोड़ देने के लिए, खुलना जाके काम करने के लिए, बंद में चुपचाप बैठने के लिए, लेकिन वो तो नेचुरली होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। तो इनिशियली क्या हुआ, पहले 25 दिन 30 दिन में दोस्तों इनिशियली क्या हुआ, थायराइड हॉर्मोन्स एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो गया। याद रखिए थायराइड हॉर्मोन्स एक्सेसिव प्रोड्यूस नहीं हुआ, डोंट टेक मी अदरवाइज, थायराइड हॉर्मोन्स एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन उसका नॉर्मल हुआ लेकिन उसका यूजेज नहीं हुआ। जब यूजेज नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया। वन मोर टाइम, एक्यूमुलेशन हो गया। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है एक्यूमुलेशन। प्रोडक्शन मतलब कितना बना, एक्यूमुलेशन मतलब कितना जमा या कितना रहा। बना ठीक ठाक लेकिन कुछ भी यूज नहीं हुआ, फिर बना ठीक ठाक, फिर बना ठीक ठाक, फिर बना ठीक ठाक, वो बनते ही गया लेकिन यूज कुछ नहीं, उसका तो स्टॉक कितना हो जाएगा, स्टॉक पाइल अप हो जाएगा। इस वक्त एक हो सकता है कि आप एक ऑफिस है या स्टॉकिस्ट है ऑडियंस का, और आपके पास 100 एंटीऑक्सीडेंट रोज आते हैं, रोज आता है 100 बॉटल एंटीऑक्सीडेंट रोज आपके पास आता है, और उसमें से 80 बिक जाता है, फिर आप 100 ऑर्डर करते हो, फिर उस 80 नंबर बिक जाते हैं, फिर 100 ऑर्डर करते हो, फिर 80 नंबर बिक जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ा तो थोड़ा ज्यादा ऑर्डर कर लिया, लेकिन ऐसा हो गया अचानक आपने 100 एंटीऑक्सीडेंट रोज आपके पास आने का सिस्टम था, 100 एंटीऑक्सीडेंट आया, पहले 80 90 बिक जाता था, फिर फ्रेश ऑर्डर करके आता था, तो कभी भी आपके पास एंटीऑक्सीडेंट के इतना हजारों पीस का स्टॉक नहीं जम जाता था। क्यों नहीं जम जाता था, बिकॉज आपका तो रोज निकल रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, मतलब आप खरीद भी रहे, बेच भी रहे, योर मनी वॉज नॉट स्टक। वन मोर टाइम, आपका कोई जो मनी है स्टक नहीं हुआ, तो आपको इतना सारा, आपने आपका इतना सारा स्टॉक बिका है एंटीऑक्सीडेंट का, आया और गया इतना सारा स्टॉक, लेकिन रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, जरूरत नहीं पड़ा, वो तो आया और गया, लेकिन ऐसा हो गया कि आपका रोज 100 एंड 100 एंटीऑक्सीडेंट आता था, 90 बिक के जाता था। अचानक ऐसा हो गया एक महीने से 100 एंटीऑक्सीडेंट रोज ही आ रहा था, बिक रहा था 10 और 20, आपका तो रोज 80 90 एंटीऑक्सीडेंट जमा है, एक महीने में तो ऐसा 2-3 हजार एंटीऑक्सीडेंट जम जाएगा। आया उतना ही आया, लेकिन आप अभी आपके पास पूरा स्टॉक पाइल अप हो गया और आप परेशान हो गए, क्या करूं इस एंटीऑक्सीडेंट का, कैसे इसको बेचूं, बता, अभी आप परेशानी में आ गए, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, मतलब आपका इनकमिंग ज्यादा नहीं हुआ, इनकमिंग नॉर्मल ही हुआ, लेकिन आपका आउटगोइंग नहीं हुआ, आपका कोई आउटगोइंग नहीं हुआ, मतलब जो जहाँ पे यूज होना तो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो एक को बोलते हैं प्रोडक्शन, दूसरे को बोलते यूटिलाइजेशन, तीसरे को बोलते एक्यूमुलेशन। वन मोर टाइम, प्रोसेस को याद रखिए, चाहे मेडिकल फील्ड में भी काम आएगा, आपके बिजनेस फील्ड में काम आएगा। तो एक को बोलते हैं प्रोडक्शन, दूसरे को बोलते यूटिलाइजेशन, तीसरे को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। प्रोडक्शन मतलब बना, यूटिलाइजेशन मतलब उसका उसका यूज सही तरीके से हुआ, और बचा कुचा कितना रहा उसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। बना ठीक ठाक, यूज हुआ ठीक ठाक, बचा कुचा थोड़ा रहेगा, ठीक ठाक यूज हुआ बहुत कम, सब कुछ ही बचा कुचा रहेगा, और रोज ऐसा चलता रहा तो बचा कुचा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब पूरा ही जम जाएगा, इसको बोलते जम जाना। जस्ट लाइक बारिश हो रहा है कॉन्स्टेंट, कोलकाता में बारिश हो रहा है, आपको अभी शायद हो रहा है, मैंने सुना सिलीगुड़ी में बहुत बारिश हो रही है, कोलकाता में तो कांस्टेंट बारिश हो रहा है, इसलिए कल नेटवर्क पूरा डिस्ट्रॉय था। बारिश हुआ, पानी आना अच्छी बात है, लेकिन उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ड्रेनेज सिस्टम में पानी निकल जाने का एक सिस्टम है, तो वो आएगा, वो जाएगा भी, जहां जाना है वो आएगा, पानी ऊपर से बारिश बादल से वो जाएगा भी, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है तो आएगा जमते 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 पानी यहाँ तक आ जाएगा, आदमी रोड पर नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन हुआ, रेनफॉल प्रोडक्शन हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, अगर वो बाहर सही जगह पे गया, नहीं हुआ तो उसका एक्यूमुलेशन एक्सेसिव हो जाएगा, जम के पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि पानी पूरा जम के सर तक आ जाएगा। सेम वे हमारे हॉर्मोन्स का भी ऐसे सोचिए, थायराइड हॉर्मोन्स का ब्रेन ने सिग्नल ग्लैंड को दिया, ग्लैंड ने इसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन होने के बाद वो ब्लड में गया, अब था यूटिलाइजेशन का टाइम, यूटिलाइजेशन तो होने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या हो गया एक्यूमुलेशन। जब कोई भी चीज चाहे वो कितना भी अच्छा हो, एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक काम करता है। वन मोर टाइम, वो क्या काम करता है दोस्तों, टॉक्सिक काम करता है। ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ग्लूकोज जिंदा रहता है। अगर आपका ग्लूकोज नॉर्मल 100 हायर रेंज है, 70 लोअर रेंज है, अगर आपके ग्लूकोज को अभी 30 में फॉल कराया जाए, अब 30 में फॉल हो गया आपके ग्लूकोज, आप फेंट होकर गिर सकते हो, आपका ब्रेन अटैक होकर मर भी सकते हो। ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना हम 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, ब्लड ग्लूकोज या शुगर दे। लेकिन अगर वो ज्यादा जम गया तो क्या हुआ, डायबिटीज, उससे भी आदमी मरेगा। यू गॉट माई पॉइंट, आर यू एबल टू गेट मी। चावल खाया, रोटी खाया, उसमें से शुगर आया, ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ, यूज हुआ ब्लड में गया, फिर उसका ब्लड से यूज हुआ, बहुत बढ़िया बात, ब्लड में गया और उसका यूज नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, हाई ब्लड शुगर, परेशान, डायबिटीज। सेम वे
थायरॉइड हार्मोन बना, ब्लड में गया, उसका यूटिलाइजेशन होना था, होने का उपाय नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्यूमुलेशन, रेगुलर एक्यूमुलेशन, रेगुलर एक्यूमुलेशन, एवरी एक्यूमुलेशन होते होते एक टाइम क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिकेशन हो जाएगा, वो एक टाइम में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि जमा हुआ है। अब हमारा बॉडी भी बहुत चालाक है, हमारा ब्रेन बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन है, वो भी एक काउंटर एक्शन करेगा। तो पहले समझे, पहला 30 दिन में क्या हुआ, बना बना हार्मोन यूटिलाइज नहीं हुआ, बना बना हार्मोन यूटिलाइज नहीं हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया, एक टाइम में ब्रेन ने रीड कर लिया, लेट्स से 30 दिन बाद रीड कर लिया, अरे मेरे बॉडी में तो टू मच थायराइड हार्मोन्स जम गया जो अभी टॉक्सिक इफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे अभी थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा। ब्रेन को अगर प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा बॉडी के लिए, तो उसको किसको सिग्नल देना होगा? फाइनली वही थायराइड ग्लैंड को। अगर ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दिया इतना हार्मोन बना, मेरे हाथ को देखेगा, ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड को सिग्नल दिया इतना हार्मोन बनाओ, तो थायराइड ग्लैंड इतना ही हार्मोन बनाएगा। अगर ब्रेन का पिट्यूटरी ने थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दे इतना हार्मोन बनाओ, तो वो उतना ही हार्मोन बनाएगा, इतना सही बनना चाहिए, इतना ही। तो रोज सिग्नल दे रहा था, इतना बन रहा था, लेकिन ये सब जम रहा था, जम जम के इतना हो गया। ब्रेन सोचे भाई और अगर थायराइड हार्मोन बनने लगेगा, आदमी का हार्ट अटैक हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में कूद भी सकता है, सुइसाइडल टेंडेंसी हो सकता है, हजारों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देते क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ब्रेन ने अब थायराइड ग्लैंड को सिग्नल किया, भाई तो इतना सा ही हार्मोन बना रेगुलरली, तो थायराइड ग्लैंड इतना सा ही हार्मोन बनाने लगा। अब वो प्रोसेस नेक्स्ट 30 डेज चलता रहा, 30 डेज ऐसे हुआ, नेक्स्ट 30 डेज ऐसे हुआ, 60-70 डेज होने लगा लॉकडाउन का। अब आदमी में प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया? थायराइड ग्लैंड को अगर कोई भी बॉडी का ऑर्गन को ओवर यूज करो तो भी खराब, अंडर यूज करो तो भी खराब। पहले ब्रेन थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता था, तुम ठीक ठाक से, ठीक से काम करो, वो ठीक से काम करता था। अभी लास्ट 30 दिन से उसको सिग्नल किया दे रहा है, तुम बहुत कम काम करो, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाएगा। वो चुपचाप बिना काम करके बैठ जाएगा तो क्या होगा पता है दोस्तों? वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा, उसका ताकत कम हो जाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड पहला 30 दिन ठीक था, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम को दिखाया कि कोई ब्रेन कांस्टेंट थायराइड ग्लैंड को बोल रहा है तुम ज्यादा काम मत करो, चुपचाप बैठो, ज्यादा काम मत करो, चुपचाप बैठो। चलो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पहले आप बहुत मेहनत करते थे, भागना दौड़ना, ब्रेन चलाना, बॉडी चलाना, अचानक आपके क्या हुआ, आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि चलो तुम्हें आपका बिग बॉस, कंपनी का बिग बॉस आपको बोल रहा है कुछ काम मत करो, मैं ऐसे तनख्वाह दूंगा, चुपचाप बैठे रहो घर में, चुपचाप ऐसे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, कंप्यूटर में मत खोलो, वो भी मत खोलो, चुपचाप बैठे रहो, जूम मीटिंग में मत करो, ठीक है नहीं करूंगा, चुपचाप बैठे रहो। अब चुपचाप बैठे रहे, बैठते बैठते एक दिन आप क्या हो जाएंगे पता है, इंग्लिश में बोलो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। वन मोर टाइम, क्या हो जाएंगे? इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब बेहतरीन, बेहतरीन कोई चीज को कर पाना का कैपेसिटी, इनएफिशिएंट मतलब बिल्कुल निकम्मा। इनएफिशिएंट को हिंदी में बोल सकते हैं निकम्मा बन जाएंगे। अरे विक में आपको आए समझ में, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको आपके बॉस ने बोला बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, तनख्वाह देते रहूंगा, 3 महीने पहले महीने मजा आएगा, अभी आ रहा है ना तनख्वाह, आराम से घर में बैठ पा रहा हूँ, दूसरे महीने थोड़ा मजा आएगा, तीसरे महीने में मजा किरकिरा हो जाएगा, चौथे महीने में वो मजा मिर्ची में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप निकम्मा बन जा रहे हो, बिकमिंग इनएफिशियंट। सो थायराइड ग्लैंड भी इनएफिशियंट बन गया, उसका रेगुलर एक्टिविटी था इतना हार्मोन बनाना, अब वो बना रहे इतना, क्योंकि ब्रेन बोल रहा है इतना सही काम करो, उससे काम मत करो। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड का इनएफिशियंसी हो जाएगा। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। अब क्या होने लगा, अब लॉकडाउन को खोल दीजिए, ऐसा सोचिए लॉकडाउन को आपने खोल दिया, फुल ओपन मार्केट में काम करना, लेकिन थायराइड ग्लैंड तो उतना पावर में बैठा नहीं है, क्योंकि पहला वो बना रहा था ठीक ठाक, फिर ब्रेन ने उसको बोला भाई तुम कम बनाना शुरू करो, कम काम करो, चुपचाप बैठ जाओ, निकम्मा बन गया थायराइड ग्लैंड, 2-3 महीने से निकम्मा। अब 3 महीने बाद आपने खोल दिया, मतलब मार्केट खोल दिया, हम लोग ओपनली काम करने जाएंगे, जिसमें बीएमआर का इन्फ्लुएंसर थायराइड ग्लैंड को सच में इन्फ्लुएंसली काम करना पड़ेगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड तो निकम्मा होकर बैठा है। एक ऑर्गन को या कोई भी एक इंसान को आपने 3 महीने निकम्मा बना के ऐसे बैठा दिया, 3 महीना एक दिन, मतलब 90 डेज आपने निकम्मा बना, 91 नंबर डे में अचानक बोल रहे जाके पूरा फुल फोर्स में काम करो, कर नहीं पाएगा। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, मेडिकल साइंस और साइंटिफिकली ये करना कैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों? निकम्मा, वो निकम्मा हो जाएगा, मतलब आके तो काम नहीं कर पाएगा बेहतरीन तरीके से। थायराइड ग्लैंड का आज यही सिचुएशन है,
और मेडिकल इंडोक्रिनोलॉजी इंडस्ट्री ने यही एक जस्ट उनके लैंग्वेज में बोला, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, थायराइड सिर्फ ट्रेलर, असली मूवी देखना बाकी है हमारे दोस्तों। कुछ ऐसे सोचिस का प्रॉब्लम इतना लेवल तक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का एक 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 क्या बोलते हैं चैनल है, एक 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 वर्किंग वे है जो एक आदमी के अंदर 30 साल से चल रहा है एवरीडे, अचानक वो बदल दिया और वो बदला हुआ चीज को ही फिर उसको ही सिस्टम में डाल दिया जाए, वही सिस्टम हो जाए। एक सिस्टम रहा था 30 साल, उस सिस्टम को पूरा उल्टा कर दिया, उस सिस्टम को थोड़ा धीमा धीरा धीमा ने काफी ऑलमोस्ट बंद हालत में लाके अब उसको बोला जा रहा है ब्रेन पूरा बॉडी को, या बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन ब्रेन में आए, ब्रेन से पूरा बॉडी में ये जा रहा है चुपचाप बैठ जाओ। एक ऑर्गेन 30 साल तक हाइपर एक्टिव काम कर रहा था, बहुत तेजी से काम कर रहा था, अब उसको चुपचाप बैठा दिया गया, क्वाइटली सिटिंग, आराम से बैठा दिया गया। वो होगा क्या, जब उसको अब एक्टिवेट होने का टाइम आएगा, वो एक्टिवेट फटाक से नहीं हो पाएगा, उस टाइम लोग इश्यूज फेस करेंगे। क्या इश्यूज फेस करेंगे आपको मैं बोल रहा हूँ, अब जब कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, अच्छे पोस्ट की सोचिए, कोई भी पोस्ट में काम करता है कॉर्पोरेट कंपनी में, उसको जॉब में जाना है, अभी भी जॉब में जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी जैसे कि लॉकडाउन है, कोरोना का डर है, कंपनी खुद बोल रहे मत आओ क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो अब कोई काम कर रहे हैं धीमा स्पीड में, एक टाइम तो खुलेगा ना लॉकडाउन, एक टाइम तो फिर से हिंदुस्तान बैक टू नॉर्मल में आएगा, तब उस टाइम तो ओपनली जाके काम करना होगा फुल फोर्स। एक इंसान जो लास्ट 10 साल से फुल फोर्स में ऑलमोस्ट 6 महीने तक बैठा दिया, उसको बैठा दिया दुनिया ने, तो बॉडी है वो भी बैठ गया, स्पेशली बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड ग्लैंड का। अब जब उसको 6 महीने बाद बैक टू नॉर्मल एक्शन में आना है, वो फटाक से एक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बैक टू नॉर्मल एक्शन करने जाएगा ना, उसके अंदर एक काउंटर रिएक्शन होगा कि थायराइड ग्लैंड तो बैठने वाला था, इसी थायराइड ग्लैंड को बैक टू नॉर्मल फिर से आने के लिए 3 महीने लगेगा, उसको नॉर्मल से डाउन जाने के लिए 3 महीने लगा है ना, उसको फिर से डाउन से नॉर्मल जाने के लिए मिनिमम 3 महीने लगेगा। होगा क्या, इस 3 महीने में कोई भी इंसान के अंदर का जो प्रोडक्टिविटी है, वर्किंग प्रोडक्टिविटी है, सोशल प्रोडक्टिविटी है, मेंटल प्रोडक्टिविटी है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी है, ऑटोमेटिकली दोस्तों डाउन हो जाएगा, इट विल गो डाउन, वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप जाओगे ऑफिस में काम करने के लिए, जाओगे मार्केट में काम करने के लिए, ज्यादा टाइम आप काम कर नहीं पाओगे। आप कोशिश कीजिएगा, आप जाओगे मार्केट में, सोचोगे 4 मीटिंग देना है, 1 मीटिंग देने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लग रहा है और नहीं होगा, आपको इसलिए लग रहा है और नहीं होगा क्योंकि बॉडी खुद ही और नहीं कर रहा है, तो आप कहां से कर लोगे, अगर बॉडी अंदर से आवाज नहीं दे आएगा। रिमेंबर दिस वन थिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसमें टेलीग्राम में लिखा है, कोरोना लॉकडाउन इज नॉट अ लॉकडाउन ऑफ वायरस, सिर्फ वायरस का लॉकडाउन नहीं है, वायरस के वजह से एक इकोनॉमिक लॉकडाउन भी नहीं, एक्चुअली एक हमारे बॉडी का ऑर्गन्स का लॉकडाउन है, पर्टिकुलरली जो हॉर्मोन्स होते हैं ना उसका लॉकडाउन ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको काफी बार मेरे प्रोग्राम्स में बताया है कि व्हाट इज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर एक्सीलरेटर। वन मोर, डू यू रिमेम्बर मैंने क्या बोला था, हॉर्मोन्स आर एक्सीलरेटर, गाड़ी का एक्सीलरेटर नहीं होता करके स्पीड में चलाने के लिए, आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको चला भी रहे हैं, लेकिन 3 महीने तक उसका एक्सीलरेटर कभी दबा नहीं रहे, बिकॉज दबाने का उपाय नहीं आया, 3 महीने बाद वो एक्सीलरेटर ठीक से दबेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि गाड़ी तो चल रहा था, मतलब बॉडी तो चल रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेटर उतना दबा नहीं रहा, 3 महीने बाद आप सोचोगे ना, आपको फुल स्पीड में दबा दबा के 100 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे, आप चला नहीं पाओगे, एक्सीलरेटर दबेगा नहीं, उसको जाके मरम्मत करना होगा, क्योंकि एक्सीलरेटर चुपचाप बैठ जाने का आदत है। This is actually happened to many of our glands. Actually, मैंने बोल रहा हूँ thyroid gland का ये एक बहुत बड़ा problem already शुरू हुआ है, and ये शुरू हुआ है particular because of lockdown. पहले 30 दिन ना कुछ issue हो रहा था, लेकिन वो issues gland तक नहीं पहुंच रहा, next 30 दिन बाद brain के द्वारा वो एक systematic defect में बदल गया, अब वो systematic defect एक नया system बन गया। One more time. फिर से समझिए, पहले थायराइड ग्लैंड का वर्किंग ब्रेन के साथ पहला 30 दिन नॉर्मल सिस्टम में चल रहा था, नॉर्मल सिस्टम में चल के प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, ब्रेन और हॉर्मोन्स ने मिलके क्या किया, सिस्टम को स्लो बना दिया, वो स्लो मतलब एक टाइप का डिफेक्ट होता है, बट वो इंड्यूस्ड डिफेक्ट है, जब जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि कोई उपाय नहीं है, उसको इंड्यूस्ड डिफेक्ट बोलते, इंड्यूस्ड डिफेक्ट को लाया, वो इंड्यूस्ड डिफेक्ट अभी 3 महीने चलने लगा, मतलब अभी वो इंड्यूस्ड डिफेक्ट एक न्यू सिस्टम बन गया, अभी बॉडी के लिए थायराइड ग्लैंड के लिए वही न्यू सिस्टम जो डिफेक्टिव है
आलसी सिस्टम है वही नॉर्मल सिस्टम है उसके लिए। अब उस आलसी सिस्टम में, आलसी सिस्टम से फटाफट तगड़ा सिस्टम में आने के लिए, एक्टिव सिस्टम में आने के लिए लगेगा टाइम। लेकिन अगर कोई जाके बाहर काम करने लगा, कोई दिल्ली में बैठे, कोलकाता में बैठा है, कोई पे भी, चेन्नई में बैठे, विदेश में बैठे, भाग के काम करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, कर नहीं पाएगा उसको। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, वो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका बॉडी नहीं खींचेगा, उसका ब्रेन नहीं खींचेगा, वो फिजिकल एंड मेंटल पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ही विल फील ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। यू आर गोइंग टू फील दैट आई कैन नॉट डू एनी मोर, दिस इज एनफ फॉर मी टुडे। बट एक्चुअली आप और भी कर सकते थे नॉर्मल टाइम, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। अभी वो सिचुएशन में आने के लिए इट विल टेक 3 months मिनिमम, क्योंकि वो सिचुएशन में जाने के लिए 3 months लगा था, वो उसके साथ वापस आने के लिए फिर से 3 months लगेगा। दोस्तों व्हाट विल दिस कॉज, ये क्या प्रॉब्लम खड़ा करेगा? प्रॉब्लम क्या खड़ा करेगा? आपके अंदर क्या हो रहा है आप खुद ही नहीं समझ पा रहे, तो बाहर वाला कैसे समझेगा? वन मोर टाइम, आपके अंदर क्या हो रहा है हम लोग आज समझ पाए, मैं नॉर्मल पब्लिक का बात करो, हमारे हमारे अंदर क्या हो रहा है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे, बाहर वाला क्या समझ पाएगा? तो आपके कोई बॉस होगा, कोलीग होगा, पार्टनर होगा, वर्किंग होगा, वो बोल रहा है देखो घर में ना बैठा था और मुफ्त में बैठा हुआ था चुपचाप, देखो अभी वो मुफ्त में बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, देखो कितना आलसी इंसान है, कितना आलसी इंसान है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन ना जानबूझ के आलसी नहीं है, इसको बोलते इंड्यूस्ड लेजीनेस। इंड्यूस्ड माने सेल्फ इंड्यूस्ड, आपने खुद नहीं किया है, सिचुएशन ने कराया है आपके बॉडी को। एक होता है खुद करते, एक होता है सिचुएशन आपके बॉडी को कराता है, सिचुएशन आपके बॉडी को कराए। सेल्फ इंड्यूस्ड और यू कैन से सिचुएशनल इंड्यूस्ड लेजीनेस थायराइड ग्लैंड का इनएक्टिविटी, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका बॉस बोलेगा ओ तुम चुपचाप बैठे बैठे मुफ्त में हराम का खा रहे थे ना, तब ठीक था, अभी काम करना रहो, काम नहीं कर रहे, आप करना चाहते काम कर नहीं पाएंगे। भाई काम आप जो भी में निकल रहा हूँ ना मैं, आप लग रहे डॉक्टर सर इतना हाई टोन में बात करते, फुल एनर्जी में बात करते, अगर मेरा वोकल कॉर्ड, मेरे हॉर्मोन्स, मेरे मसल्स नहीं तगड़ा होंगे तो मेरा वॉइस भी तगड़ा नहीं होगा, क्योंकि निकालेगा वॉइस को कौन? खुद तो बाहर से आके तो कोई म्यूजिक सिस्टम पी करके वॉइस तो नहीं निकाल के देता, अंदर से निकाल के दे रहे हैं। अंदर का आवाज बोलते ना, अंदर से आवाज आना, अंदर से आवाज आना, अंदर से आवाज आना, व्हाट इज मीनिंग अंदर से आवाज आना? अंदर से आवाज आना मतलब ये बॉडी के सिस्टम ऑर्गन से आवाज आना, सेम वे अंदर से तक उसको पूरी तरह सिग्नल नहीं है, जहां 4 मीटिंग करो तब तक वो 3 मीटिंग पूरा नहीं कर तो और बैक मीटिंग में बैठ जाएगा, क्योंकि बॉडी का थायराइड ग्लैंड 4 मीटिंग करने का कैपेसिटी में नहीं है, अभी पहले था अब नहीं, और उसको वापस आने में फिर से 3 महीने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटी खोने में उसको 3 महीने लगा, तो कैपेसिटी वापस पाने में फिर से 3 महीने लगेगा। दिस विल नाउ कॉज अ प्रोडक्टिविटी डिफिशियंसी इन आवर कंट्री। वन मोर टाइम, व्हाट इट विल बनाएगा ये, इट विल कॉज अ प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसी इन आवर कंट्रीज। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या बोलते हैं, यू नो इन, आप जानते हैं ना प्रोडक्टिविटी का मतलब, इट मीन्स प्रोडक्टिविटी मतलब कितना काम का, कितना काम के हैं आप, हाउ प्रोडक्टिव आर यू। मैं अगर पूछूं हाउ प्रोडक्टिव आर यू, मतलब कितने काम डेली आपके आपके द्वारा कितना काम होता है, डेली आपके द्वारा कितना अच्छा होता है, कितना अच्छे काम होते हैं, इट मीन्स प्रोडक्टिविटी। मतलब आप काम का कम बन जाएंगे, आप काम का कम बन जाएंगे, मतलब आप प्रोडक्टिव से काफी हद तक नॉन प्रोडक्टिव बन जाएंगे और बन रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, ये सिचुएशनल इंड्यूस्ड बॉडी का सेल्फ उसके बाद इंड्यूस्ड एक लो प्रोडक्टिव जोन में जाना, इसका बड़ा एक हिस्सा है थायराइड ग्लैंड। इसने भी जानबूझ के नहीं किया, ब्रेन ने भी जानबूझ के नहीं किया, ब्लड ने भी जानबूझ के नहीं किया, सिचुएशन ने कराया इस सिस्टम को, न्यू सिस्टम को लाया, जिसको बोलते हैं लेजी नॉन प्रोडक्टिव थायराइड ग्लैंड BMR सिस्टम। हमारे देश में क्या हो जाएगा, आप जब काम करने जाएंगे, हम जब बाहर काम करने जाएंगे, प्रेशर में आके काम करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसी, और माने कार्यक्रम करने का कमी। देश में प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिक और इकोनॉमिक डेफिशिएंसी ला देगा। इंसान तो ऑलरेडी नौकरी खोने का एक हाई चांस है ही है, अब और नौकरी खोने का ज्यादा चांस बढ़ेगा, वो और प्रॉब्लम आना शुरू होगा, उसको बिजनेस चलाना और प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी तक बंद ही था, अभी फिर से चलाना और प्रॉब्लम हो जाएगा, नौकरी बचाना और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, करना काम कार्यक्रम करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपने किसी के साथ 20 मिनट ये बात किया, सिचुएशन को दिया, सिचुएशन को समझाया,
एंड सिचुएशन में समय के साथ उसको अपने एक्सप्लेनेशन किया, उसको सेल्फ इमेजिनेशन में डाल दिया, हाँ मेरे साथ ये हुआ है, ऑटोमेटिकली अब वो आपको पूछने लगेगा आपके पास कुछ है क्या, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम रियली फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स एंड आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोना फेस इट आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन आई एम गोइंग टू गो टू द वर्क इन द फील्ड। मेरे को ये 2-3 महीने से है और 2-3 महीने के बाद मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगा जब मैं काम पे जाऊंगा। आप सही बोल रहे हो कि आपके पास कोई सही है क्या, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रहा था और अभी और प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है आने वाला टाइम ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालने वाला है मेरे कार्यक्रम लेके भी, कि आपके पास कोई सोल्यूशन है? दैट्स द टाइम ऑडियंस का सोल्यूशन लेके आइए, ऑडियंस बोल के मत जाइए, थायराइड और उसके प्रॉब्लम बोल के जाइए, आदमी ऑडियंस आएगा, आप ऑडियंस लेके आएगा, आपको ऑडियंस लेके नहीं जाना है, आदमी ऑडियंस के पास आना है, बस प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कीजिए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, ऑडियंस के पास आएगा उसके पास और कोई उपाय नहीं होगा, आपको ही पूछेगा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके, उसको पॉइंट को अंडरस्टैंड करके, उसका नाड़ी को किसने पकड़ा, हाथ तो उसका सब पकड़ रहे थे बट नाड़ी किसने पकड़ा, आपने पकड़ा ना, अब नाड़ी पकड़ा मतलब आपने उसका बीमारी समझा, उसके बोध को बताया, उसको पूरा चीज को समझा, तो आप बोलेंगे सोल्यूशन किसको पूछेगा, वो क्या कोई थर्ड पर्सन को सोल्यूशन पूछेगा, नहीं पूछेगा, वो आपको ही सोल्यूशन पूछेगा, आपको डॉक्टर के पास जाते, आप तो डॉक्टर बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे आपके इश्यूज है, क्या लेना चाहिए मुझे ठीक होने के लिए, आप उस डॉक्टर को पूछते हो या बाजू वाला कोई डॉक्टर को जाके पूछते हो, बाजू वाला कोई आदमी को जाके पूछते हो, दूसरे गली में जाते हो, दूसरे शहर में जाते हो, आप उसको पूछते हो, हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो ये प्रॉब्लम है, आई हैव गॉट दिस इश्यूज, डॉक्टर सो यू हैव समथिंग टू हेल्प मी, यू गॉट मी, सो आप उसे डॉक्टर को पूछते हो, मतलब आपको भी उस आपको ही पूछेगा क्या सोल्यूशन है मैडम, क्या सोल्यूशन है सर, कैन यू हेल्प मी आउट, दैट्स द टाइम प्रोडक्ट्स यू कैन प्रेजेंट टू हेल्प देम आउट। याद कीजिए मैं परसों भी या 3 दिन पहले भी प्रोग्राम एक बार बोला था, कोई भी इंसान को पसंद नहीं है, नोबडी लाइक्स टू गेट सोल्ड, वन मोर टाइम, nobody likes to get sold, everybody likes to get helped, and if you are able to help someone they are going to buy your solution, if you want to sell your solution nobody will buy your solution, but if you try to help someone with your solution people will buy your solution। aaya kuch samajh mein, specially jab insaan problem mein hai, jaise hum log aaj sab log aaj ek problematic situation mein hai, specifically jab insaan problematic situation hota, corona lockdown mein sabka छुट्टी करके रख दिया, हवा निकल के रख दिया, पंचर करके सबको रख दिया, इस सिचुएशन में कोई जबरदस्ती बेचने के लिए जाएगा, एक बहुत ही बैड इंप्रेशन खड़ा होगा, आप बेच नहीं पाओगे ज्यादा, स्पेशली न्यू लोगों को और थोड़ा क्लासी लोगों को आप बेच नहीं पाओगे, वो सोचेगा आज मेरा इतना बुरा सिचुएशन नहीं है, मुझे मेरे से पैसा मांग रहा है, मेरे से इनकम करने का कोशिश कर रहा है, दे विल नॉट गोइंग टू बाय योर इंस प्रोडक्ट, बट इफ यू क्रिएट अ मॉडल बाय व्हिच दे फील दैट दे आर गेटिंग हेल्प्ड बाय यू, दे आर गोइंग टू गेट एसोसिएटेड विद यू टू गेट द सॉल्यूशन। लोग को प्रॉब्लम को दिखाइए पहले, प्रॉब्लम को उसके बाद बताइए, प्रॉब्लम को उसके बाद समझाइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने देने वाला बनिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला बनिए, उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए, वो आदमी सॉल्यूशन खरीद लेगा। आर यू विद मी, आर यू गेटिंग मी? पहले किसी को प्रॉब्लम को बताइए, प्रॉब्लम को उसको पहले प्रॉब्लम को दिखाइए, फिर उसको बताइए, फिर उसको समझाइए, फिर अपने साथ उसका प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनने वाला उसके साथ बन जाइए, ऑटोमेटिक वो आपका सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खरीद लेगा, बिजनेस डन, आपका प्रोडक्ट चला गया, है कुछ खुला। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आपका एक बहुत बड़ा एक थायराइड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा काफी सारे लोग बता सकते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली यू नो शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई मैंने ये टेलीग्राम पोस्ट में लिखा था, एंड मोस्ट ऑफ पीपल यू कैन शेयर इट टू एनीवन, आप किसी को शेयर करेंगे तो पूछेगा ऑटोमेटिकली, हाँ मुझे ऐसे इश्यूज है, इसको और जानना है, तो उनको लेके आइए प्रोग्राम में, प्रोग्राम में सुनेंगे और कोई स्पेशल प्रोग्राम्स में सुनेंगे तो और इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब ये बोलेंगे सर थायराइड प्रॉब्लम के लिए मैं क्या प्रोडक्ट दूँ, क्या प्रोडक्ट देना अच्छा होगा, सबसे पहले मैं लेडीज के लिए एस्पोरस बोलता, आदमी के लिए सिलाजीत बोलता, थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके साथ आप अगर सेकंड कॉम्बिनेशन पैनक जिंक्सिंग इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द थायराइड, इवन लेडीज भी सिलाजीत थायराइड के लिए ले सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं स्पेसिफिकली फेवर करता हूँ लेडीज के लिए इफ दे हैव अ थायराइड प्रॉब्लम। मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर किसी ने आपने से सिलाजीत लिया है एज अ फीमेल थायराइड इट इज गुड एनफ, बट मैं थोड़ा फेवरिज्म करता हूँ पर्टिकुलरली एस्परोस, मैं उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली सुपीरियर सोचता हूँ फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स इन लेडीज एंड इन मेन सिलाजीत, क्योंकि कहीं ना कहीं थायराइड और हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स का काम करने का तरीका काफी हद तक सेम है, तो अगर सेक्सुअल ग्लैंड्स का काम करने का तरीका काफी हद तक सेम है तो
थायराइड के साथ सेक्सुअल ग्लैंड्स का काम करने का तरीका काफी हद तक सेम है, तो काफी हद तक तो ये भी अंडरस्टैंडिंग है, एस्परोस फेवरिज्म ज्यादा करेगा लेडीज को, सिलाजी फेवरिज्म ज्यादा करेगा मैन को। उसके साथ आप पैनाक जिनसेंग दे सकते हैं, एंड बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम जरूर लीजिए, बिकॉज पर्टिकुलरली उसका जो वाइटामिन डी और कैल्शियम कॉम्बिनेशन है, इट इज एक्चुअली सेवियर अभी का टाइम में, वो एक सेवियर है, मतलब ना जान बचाने वाला, थायराइड ग्लैंड बचाने वाला प्रोडक्ट है। तो मैं तीन ही प्रोडक्ट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी को डंप करना प्रोडक्ट अच्छी बात नहीं। इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट गुड अराउंड आवर कंट्रीज, जस्ट गिव देम एस्परोस और सिलाजी, डिपेंड उसको मेल फीमेल के ऊपर, उसके साथ पैनाक जिनसेंग दीजिए ताकि ब्रेन से सिग्नल थायराइड ग्लैंड का बना रहे, अच्छा रहे, जब टाइम आए उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करे। तीसरा, उसके साथ कैल्शियम एवरी डे जरूर लीजिए, पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड को बचाने के लिए। उतना महंगा भी नहीं है कैल्शियम, हर कोई खा सकते हैं। कैल्शियम से भी ज्यादा उसके अंदर जो विटामिन डी है, उसका जो कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी हेल्पफुल। सिर्फ कैल्शियम उतना हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी टुगेदर बहुत बढ़िया मदद कर सकते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड। तो आई थिंक इसका जो पिक था, आप मुझे समझ पाए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स टू पीपल, नोबडी इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट्स। इकोनॉमिक सिचुएशन और बदतर होते जा रहा है हिंदुस्तान और नेपाल, और डे बाई डे खराब होते हैं, किसी को बेचने, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रहा है। देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बदतर होते जा रहा है, इंसान के अंदर का प्रॉब्लम, उसके बाहर का प्रॉब्लम भी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, बट दे डोंट नो विच सॉल्यूशन इज फॉर देम, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। दे नो देयर इज अ प्रॉब्लम, उन सबको पता है एक बड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो बड़ा सा प्रॉब्लम को गहराई में, चौराई में, बड़ाई में नहीं जानते। They don't know in the gehra, they don't know in the depth problem है क्या। जब जब लोग problem को समझने लगेंगे, जब आप समझाने लगेंगे, तब वो आपके साथ जुड़ने लगेंगे, ऐसे करके जुड़ने लगेंगे। जब वो जुड़ने लगेंगे तो आप में ही solution ढूंढेंगे। One more time, जब वो आपका problem के बात सुन के आपके साथ, you know, आपके साथ जुड़ने लगेंगे, right? तो आप में ही वो solution ढूंढेंगे। He is going to actually look at a solution in you. क्योंकि प्रॉब्लम को आपने उसको समझा है, जो उसको अभी तक पता है, पता था प्रॉब्लम है लेकिन समझता नहीं था क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बाहर कैसे आना है। तो जब वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का काउंसलर आप बने, उसके साथ प्रॉब्लम्स को शेयर करने का, समझाने का, काउंसलिंग करने का फ्रेंड आप बने, गुरुजी आप उसके लिए बने, तो वो आप में ही जैसे जुड़ता गया आपके साथ आधा घंटे में, वो आप में ही आपके में वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, यही मुझे बाहर निकाल सकती है इस प्रॉब्लम से। उस टाइम आपको ओरियंस के प्रोडक्ट बैग से बाहर निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना है। गेटिंग में समझ रहा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले अगर गेट बैग से आपने बाहर निकाला, वो आपको शायद घर बाहर कर सकता है, बेचने के लिए आए बोल के, नेटवर्क है सेल करने के लिए, दे गोना थिंक लाइक दिस। सो एक बहुत बड़ा की पॉइंट थायराइड का जो सेशन था, इसलिए मैंने उसको कल नहीं पाया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, बट डेफिनेटली आज कर पाए। Many people couldn't attend today, जो कल काफी लोग attend कर पाए थे, but it's okay, but you can share them. I'm going to put some very animated videos also and animated topics also soon in my Telegram channel. I think there are 24 videos for females, 2,500 plus people have watched it in 15 days. So, मैं दूसरा भी डालूंगा post and कुछ animated graphical videos भी डालूंगा related to some of the very key problems today, जो हमें ज्यादा दिख रहे हैं, वो ज्यादा दिखने वाले हैं। एक है कि ज्यादा दिख रहे हैं, एक है कि जो ज्यादा चल रहा है, अब जब वो दिखेगा, तब आपका ऑडियंस के प्रोडक्ट्स उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए बिकेगा। वो प्रॉब्लम का प्रोसेस अंदर चल रहा है, अभी कुछ टाइम बाद वो दिखेगा ना, उसको वो दिखेगा जब वो प्रॉब्लम, और वो आप दिखा पाएंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट वाज एक्चुअली माय टॉक टू, मेरा वही शेयरिंग था। मैं को बोला कि मैं स्पेशल टॉपिक से मॉर्निंग को लेके आऊंगा, जनरल टॉपिक हमने सबने बात किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम सब ने बात किया, प्रोडक्ट के बारे में बहुत बहुत मैक्सिमम लोग ऑडियंस के जानते हैं, न्यू लोग हमारे ओबीएम्स में आते थे, हियर अबाउट दैट। सो मैं आई विल ब्रिंग सम वेरी स्पेशल बुलेट टॉपिक्स जो रिसर्च बेस्ड होगा। थायराइड प्रोडक्ट प्लीज वन मोर टाइम फॉर द फीमेल एस्पोरस, मेल सिलाजीत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई फीमेल ने सिलाजीत खा भी लिया फॉर थायराइड, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड। मैं पर्टिकुलर फेवरिज्म से एस्पोरस बोल रहा हूँ, चॉइस इज योर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। एस्पोरस एक प्रोडक्ट कोई उसमें से फीमेल लेगा और मेल स्पट लेगा, उसके साथ कैल्शियम एंड पैनाक जिनसेंग, कैल्शियम एंड पैनाक जिनसेंग एस्पोरोस सिलाजी, उसमें से एक कोई कॉमन प्रोडक्ट फॉर द फीमेल एंड मेल। ऑलराइट, आप समझ गए। सो विल ब्रिंग सम स्पेशल टॉपिक। देखिए टॉपिक, मैं हमेशा एक चीज में विश्वास करता हूँ, हम लोग आज क्या सिचुएशन में है, बेहतरीन सिचुएशन में है,
हम लोग बेहतरीन सिचुएशन में है या काफी डेंजरस सिचुएशन में, मुझे इतना बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए। डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस टॉपिक, और दूसरे टाइम में क्वेश्चन आंसर होगा। आप मुझे इतना बताइए, क्या हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में हिंदुस्तान में है या बहुत ही बदतर सिचुएशन में, मुझे इतना बताइए। यू कैन आंसर मी है सर, हम लोग बहुत ही ग्रेट सिचुएशन में, सब कुछ इजी गोइंग है, बढ़िया है, पार्टी शार्टी करने का टाइम है, राइट। ये हम लोग क्या बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में है या हम लोग बहुत ही बदतर सिचुएशन में, मुझे ये बताइए। हम बहुत ही बदतर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, व्हेनेवर देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपका दिमाग का बत्ती खुलना चाहिए टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, गेट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू अ गुड सिचुएशन। एट दैट टाइम समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर अस, इट्स कॉल्ड इनोवेशन। योर माइंड शुड बी हैविंग इनोवेशन। देखिए, यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके, गूगलिश गूगल का कॉपी पेस्ट करके, कोई एक आर्टिकल से कॉपी पेस्ट करके, कोई भी आप आके प्रोग्राम दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर दे सकते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इंसान लोगों को उल्लू सोचता है, सबसे बड़ा वही उल्लू होता है। आर यू एबल टू गेट मी? जो इंसान सब लोगों को उल्लू सोचता है, सबसे बड़ा उल्लू वो होता है दोस्तों। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आके शाना बन जाऊंगा, शाना तो आप बनोगे नहीं, उल्टा आपको मिलेगा डेर आना भी नहीं, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। यू शुड नॉट अंडरएस्टिमेट एनीवन। मैं कभी भी किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करता हूं, चाहे वो मतलब रिक्शा चला रहा है ना, उसको भी अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज वो आपसे ज्यादा ही जानता होगा, ये चीज याद रखिए। इसलिए आपको रिक्शा चला के लेके जा पा रहे, हम नहीं चला पा रहे। कोई भी इंसान दुनिया में, हमारे ऑपोजिट में जो भी खड़ा है, हमसे कुछ ना कुछ वो ज्यादा जानता है, इसलिए वो उस काम में एक्सपर्ट है। चाहे ऑटो चला रहा है, हम चला पाएंगे, मैं तो नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मुझे ऑटो चाहिए कभी कभी कहीं जाने के लिए। सो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन दैट ही नो समथिंग बेटर देन मी। कभी नहीं सोचना है, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं ही हूँ शाना। जो समझता है मैं ही हूँ शाना, उसको कभी भी नहीं मिलेगा डेर आना, जो रहेगा वो भी चला जाएगा। So you have to understand one thing, when we come in a difficult situation, हमारे दिमाग में innovation आना चाहिए। मैं कभी भी Google से extract करके, YouTube से copy करके, इस medical तो हमने book में पढ़ा है, theoretically पढ़ा है, but उसका practical implementation, उसका situational implementation, उसका conditional implementation is going to come with the innovation। अगर आप deep thought deep process में जाए, अगर इसको आप deeply समझने लगते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा ये जो मेरा मार्केटिंग प्लान, इसको मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा तो ऐसे समझेगा, इसको मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे समझेगा, इसको ऐसा करूंगा तो ऐसे समझेगा। केस स्टडी सिचुएशनल कंडीशनल, सेम वे इसका ये मेडिकल प्रॉब्लम को मुझे अगर इसको ये प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसका ये होने का हाई चांसेस है, इसका हो रहा है, इसको मुझे ऐसे समझाना, इसको मुझे ऐसे समझाना, इसको मुझे ऐसे समझाना, ये ऐसे ऐसे समझेगा तो मेरा सब प्रोडक्ट ऐसे तरीके से जाएगा। रिमेम्बर दिस, पैरट जैसा प्रेजेंटेशन नहीं देना है। डोंट डू पैरट रीडिंग, पट 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 आया, बोला, मैंने कहीं पे कुछ था चिपका हुआ, उसको बोला, डोंट डू लाइक दिस। यू बिल्ड योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ, मैं बार बार डेवलप योर सेल्फ। इफ यू कैन डेवलप योर सेल्फ, इस बैड सिचुएशन से भी बिजनेस आपका डेवलप होगा। हम लोग बैक टू नॉर्मल में फिर से, जो 2020 मैंने ये फरवरी तक जो सिचुएशन हम लोग थे, फिर से हम लोग दिसंबर में वो सिचुएशन में आ जाएंगे। इट्स अ टेस्ट, हमारे लिए टेस्ट है। बोलते ना, टेस्ट में वही जीतेगा जो बेस्ट है। मैं फिर से बोलो, टेस्ट में वही जीतेगा जो बेस्ट है। जब क्राइसिस सिचुएशन आते हैं, तब तब ना इनोवेशन आता है उससे बाहर निकलने का। आज दुनिया कोरोना वायरस का वैक्सीन क्यों ढूंढ रहा था, क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस ने आज लोगों को तकलीफ में डाला। बोलते उस तकलीफ से निकलने के लिए वैक्सीन के ऊपर हजारों खर्चा किया जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, दिल लगाया जा रहा है। सेम वे अगर हमारा बिजनेस भी, हमारा सिचुएशन भी लॉकडाउन आए, इससे बाहर निकलने के लिए वी नीड टू हैव स्पेशल इनोवेशन टेक्निक। है थायराइड ही, लेकिन उसके इनोवेशन टेक्निक है। मार्केटिंग प्लान ही, लेकिन उसको ले जाने के इनोवेशन टेक्निक है। पैनाक्सिन सिंह, लेकिन उसको ले जाने के इनोवेशन टेक्निक है। मोटिवेशन, लेकिन उसको देने का एक टेक्निक, ताकि लोगों को वो सूट करे, लोगों का अंदर वो नीड को सॉल्व करे, लोगों के अंदर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे। यू शुड बिकम अ PSP नाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। That's the time people are going to buy your solution. If you become a problem solving product, people are going to buy your product to get a solution. If you become a problem solving person, people are going to get attached to you to get their solution. So automatically aapka kaam ban raha hai. Are you getting me? Aapko samajh mein kya bolne ki koshish kar raha hu? So इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेरा टेलीग्राम चैनल पूछ रहे थे, सी यू जस्ट इफ यू हैव अ टेलीग्राम ऐप, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए मेरा चैनल का लिंक, या जस्ट आप क्लिक करें, जो ये है इसको, आप यू जस्ट क्लिक दिस चैनल लिंक, राइट, एंड उस
में आएंगे तो नीचे ज्वाइन बटन दबाएं, बिकॉज कुछ कुछ वीडियो सिर्फ कुछ टाइम बाद सब्सक्राइबर को मिलेंगे। हमने अभी तक भी ओपन छोड़ा है उसको ताकि सब लोग आके विजिट कर पाए, लेकिन जो आपने दिया है आफ्टर डाउनलोडिंग द टेलीग्राम ऐप भी आप अपने टेलीग्राम मैसेंजर में इस लिंक को कॉपी करेंगे, आप मेरे पेज में जाएंगे, यू कैन सी माय पिक्चर एंड ऑटोमेटिकली जस्ट क्लिक द ज्वाइन बटन, देन तो अभी आप सब्सक्राइबर बनेंगे। क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर को मतलब नेक्स्ट 5 दिन बाद नॉन सब्सक्राइबर को कोई मैसेज नहीं दिखने वाला है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नॉन सब्सक्राइबर को कोई मैसेज नहीं दिया मिलने वाला है। लिंक दीजिए सर, आई एम गिविंग यू द लिंक। आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज विदाउट द टेलीग्राम ऐप नहीं होने वाला है काम दोस्तों। आपको सबसे पहले टेलीग्राम का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करने के बाद राइट टाइम टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मैसेंजर खुलेगा, टेलीग्राम मैसेंजर, उस मेरा उस लिंक को बस टेलीग्राम दिस इज माय। देखिये नीचे HTTP जो लिखा हुआ है, जो आपको HTTP दिख रहा है, मेरा नाम लेके डॉक्टर चक्रवर्ती लेके, उसमें आपको क्लिक करना, मेरा फोटो आएगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस आएंगे, बट यू हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन। आपको ज्वाइन बटन को दबाना है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम जो ज्वाइंट नहीं होंगे नॉन सब्सक्राइबर को पेज में कुछ भी नहीं दिखेगा, स्पेशल चीज नहीं दिखेगा, सिर्फ पुराने चीज दिखेंगे। वी आर गोइंग टू हाइड इट टू नॉन सब्सक्राइबर, क्योंकि वी वॉन्ट टू हैव इट टू पीपल हु आर सीरियस, जो जिनको मैंने जरूरत है, ऐसे आया देखा उसके लिए नहीं है। क्योंकि ये कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है, वरना हम लोग यूट्यूब में भी डाल सकते थे। आप अपना उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ। आई डिडंट पुट इट ओपनली, आई कुड हैव पुट इट ओपनली, बट आई वांटेड टू कीप इट फॉर यू पीपल टू बी सो दैट इट्स यूजफुल फॉर यू पीपल मोर एंड ऑटोमेटिकली वाया यू पीपल, आप लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक हजारों लाखों में जाए। दैट वॉज माई इंटेंशन। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना ही आज बोलना था। स्क्रीन में आना चाह रहा हूँ, समबडी वॉन्ट्स टू टॉक एनीथिंग, में से कोई अगर स्क्रीन में यू वांट टू टॉक एनीथिंग आप ये एंड आपके तरक्कियों के बारे में बोलना चाहेंगे, आपके बिजनेस बढ़ा है, आपका काम अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, सर मेरा काम अच्छा बन रहा है, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरा मार्केट बढ़ रहा है, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे, प्रोग्रेस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, आज के टॉपिक के बारे में कोई शेयर करना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ऑफकोर्स 2-3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग देम, लॉन्ग टाइम हो गया कि हम लोग शेयरिंग नहीं कर पाए। मैं जितेंद्र सर को लेके आना चाहूंगा, जितेंद्र कुमार जी, यू कैन कम ऑन द स्क्रीन। जी जितेंद्र सर, सर नहीं सुनाई दे रहा है, आपका हेडफोन खोलिए, लैपटॉप से आपका हेडफोन या मोबाइल से आपका हेडफोन आउट कीजिए, प्लग आउट, तब सुनाई देगा सर। अब ठीक है, यस हेलो। जी सर सुनाई दे रहा है। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार और सभी ऑडियंस लीडर को, सभी को मेरा नमस्कार। सर कल भी काफी नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो कल भी आपने जो टॉपिक थायराइड के लिए समझाया और आज भी और मेटाबॉलिज्म के बारे में जो समझाया, वाकई इस समय में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी शरीर है वो जो है मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता वाकई बैठे बैठे उसकी घट गई है, उसकी जो क्षमता नहीं रही। जब हम बॉडी अपने काम धंधे में और कहीं भी आना जाना जो हमारी एक्टिविटी में रहती थी, तो वाकई घर में बैठे बैठे शरीर में जो है स्थिरता आ गई है, क्योंकि उसे जो बॉडी करने की आदत थी वो भूल चुकी है, या सुस्त हो गई है, या सो गई है, रिलैक्स हो गई है। तो वाकई सर उससे काफी शरीर में प्रॉब्लमें आई हैं, और आपने तो इस काफी समय समय पर जो बॉडी में दिक्कतें जैसे जॉइंट पेन और मेटाबॉलिज्म सिस्टम, और लोगों को जो है स्टूल प्रॉब्लम भी आई है, और जो है शरीर में थका अपन एनर्जी जो है खर्च होती नहीं है तो शरीर में ही वो इकट्ठी होती जा रही है, लोगों का जो किसी का वजन भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा डिप्रेशन तनाव में काम धंधे की वजह से जैसे लॉकडाउन में जो लोगों का काम में दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम आई है आप बिल्कुल बिल्कुल सही समझाया। उसके बाद में कम से कम जिन लोगों ने आपकी मीटिंग और जूम मीटिंग और आपसे जो गाइडलाइन लिए है उसने अपने आप को बचाव करके रखा है और उस बात को समझ के, और अपने लोगों को जो अपने प्रोस्पेक्टस हैं या जो उनके टीम में डाउनलाइन में या अपलाइन में जो मीटिंग अटेंड भी नहीं कर पाए उनको भी उन्होंने गाइड किया और समझाया, और उसका फायदा उनको परिवार को तो मिला ही मिला है। और सर जो हम ऑडियंस में जो अपना
वर्क कर रहे हैं और जो अपना अपने एक मुकाम पाने के लिए इसमें लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमें उसे तरक्की के राह हमारे खुले हैं और जो हमें नहीं आता था वो भी हम सीखे हैं और सीखने के बाद हमने लोगों को समझाया भी है और बताया भी है और उसे हमारे बिजनेस में भी कन्वर्ट हुआ है। इससे काफी जो है हमें जो है फायदा हुआ है और हमारी जो कार्य करने की क्षमता, सीखने सिखाने की क्षमता और जो आपने हमें दिया उसको ग्रहण जो हमने किया, जब लोगों को हम देते हैं तो वाकई उस चीज में लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर पहले हम किसी को बोलते थे ना कि हमारा प्रोडक्ट ले लो हम उस तरीके से, तो वो सोचता था ये सेल्समैन है, वो उस तरफ ध्यान नहीं देता था। हमें उस तरीके से समझाना है जैसे आपने हमें गाइडलाइन दी, उस तरीके से समझाना है कि वो खुद उसकी डिमांड करे, उसकी प्रॉब्लम को हमें समझकर और उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन देना है, उसको जो है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो जब वो खुद ही पूछेगा कि भाई आपके पास ऐसा क्या है, फिर हमें अपने उसका प्रोडक्ट उसे बताना है और उसकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें उस चीज को वैल्यू प्रोडक्ट की जो वो बतानी है कि हमारे प्रोडक्ट में और अदर प्रोडक्ट में क्या फर्क है और हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरीके से काम करता है और जो दूसरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है उसमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या फर्क है। जब हम उसकी वैल्यू प्रोडक्ट की, हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझा पाते हैं तो वो खुद जो है लेने के लिए हमें जो है आग्रह करता है और कहता है हाँ सर हमें दीजिए, और हमने दिया भी है काफी लोगों में और हम तो उसमें जो है लॉकडाउन में भी हम अपने बिजनेस में कामयाब हुए हैं और हमारा जो है प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और सही तरीके से सभी लीडर्स को मीटिंग में सही अच्छे तरीके से सीख के ध्यान से और उसी पैटर्न पे काम करना चाहिए और आगे भी वर्क करना चाहिए। थैंक यू सर। और आपने थायराइड के लिए, थैंक यू सो मच सर, उसमें वाकई बड़ा है लोगों का थायराइड बैठे बैठे, ये मेरे पास भी एक दो लोगों के वो है कि जो है शारीरिक एक्टिविटी की वजह से जो स्थिरता जो हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता है वो घटी है बैठे बैठे कारण, उससे जो है काफी शरीर में प्रॉब्लम आई है। तो उसी के लिए ओरियंट प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक जरिया ये हम लोगों को समझाते हैं और देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ठीक है, मैं एक और कोई लाना चाहूंगा। मैडम को लाते, सर को तो लाए थे। एनीवन लेडीज आके कुछ बोलना चाहेंगे? आफ्टर दैट वी विल क्लोज ऑफ। मैं गीता बरुआ को लाता हूँ। गीता जी आप अपने साइड से अनम्यूट करें प्लीज। गीता मैम हेलो। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आपका आपसे मिले भी बहुत दिन हो गई, बातें भी नहीं हो पाई सर। आपका ये जो प्रोग्राम सुन के तो सर क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एनर्जी मिलता है सर। अगर हम लोग बीमारी के वजह से भी अगर डाउन है तो आपके इस ट्रेनिंग से हम लोग फिर से अप टू डेट हो जाते हैं। सर मुझे तो अभी ये लॉकडाउन में भी मतलब जिससे आपका ये जो आप बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं अभी भी, जो कि इसमें सक्सेस भी मिली है। और मैं मतलब इस लॉकडाउन के बीच में भी दो तीन ज्वाइनिंग जा ही रहा है। हर पिछले बार भी मैंने एक 3 डायमंड का ज्वाइनिंग दिया सर, मेरे प्रोडक्ट भी जा रहा है इस तरह से। और लोगों से मुझे जो आपने जैसे जिस तरह से टिप्स दिए आज तो थायरॉयड के विषय जो बताया बहुत ही अच्छा लगा सर। थायरॉयड का तो घर घर में थायरॉयड है, जबकि हम लोग में भी प्रॉब्लम हम लोग को भी शरीर में दिखाई देता है तो डर लगता है जो क्या करें। तो सर ये थायराइड के विषय जो आज जो टॉपिक दिया आपने बहुत अच्छा लगा सर। और हर घर में लेडीज को थायराइड तो है ही है सर। और प्लस अभी हम जेंट्स के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी जो उनके कॉम्बिनेशन में क्या दूं, मगर शीला जी के साथ जो आपने जो कॉम्बिनेशन दिया अभी सर उससे मुझे बहुत ये मिला, सपोर्ट मिला। तो सर इसी तरह से बीमार के डिजीज के साथ में आप जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं सर इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है हम लोगों को सर। इसी तरह से आप देते रहे हमेशा हम लोग भी मिलने जो हो के ना किसी ना के हम लोग वैसे हमें किसी को दो सुनाना पड़े मुझे तो सर। थैंक यू मैम। सर बनके मगर गीदर बनके नहीं है सर। आपका जो आप ये दे रहे हैं तो उसका
बॉडी शेर बन रहा है सर, आपका एक्टिविटी जो शेर का रूप ले रहा है सर, रियली बोल रही हूँ एकदम, मतलब मैं अपने मतलब क्या बताऊँ, किसी के पास जाकर प्राउड फील करके बातें करती हूँ हम लोग, जब हम लोग देखिए इस तरह से ये में काम कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से लोगों को हम लोग, जबकि आज तक हम लोग को कुछ पता ही नहीं था हार्ट क्या है, लीवर क्या है, किडनी क्या है, थायराइड क्या है, लेकिन आज किसी के साथ हम लोग डिस्कस करने का पावर है हम लोगों के पास सर, वो सब आप लोग के वजह से है, और आप लोग हम लोग एक ऐसे डॉक्टर का नॉलेज दे रहे हैं, एक डॉक्टर लैंग्वेज के बारे में करते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं, हमारे बच्चे लोग भी वही बातें करते हैं, तो मुझे ज्यादा प्राउड फील होता है जो मम्मी पापा भाषा घर में जो ये करते हैं तो बच्चे वो भी वही सीखते हैं, तो आज हमारे बच्चे भी अपने फ्रेंड के साथ कभी कभी ऐसे मतलब डिस्कसिंग करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है। तो सर मैं से आप लोग से ही व्यस्त रखूंगी, अभी 5 बजे का भी 6 बजे का सेशन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी कुछ मतलब त्रिपुरा से फिर आपका अगरतला से ऐसे 4-5 फोन के वजह फोन से ही से बैठा हूँ, सेशन को दिखा रही हूँ, जिसने देखा बहुत ही प्राउड फील कर रहा सर, थैंक यू सर, आप लोग इसी तरह से हम लोग को भी बनाए रखे, आप लोग थैंक यू सो मच सर, ओके। वेरी मच, आज का प्रोग्राम यहाँ समाप्त करते हैं, राइट कल फिर से मैं कोई नया टॉपिक में आऊंगा, आई एम स्टडिंग ऑन सम मेनी टॉपिक्स, मुझे स्कीम के ऊपर बात करना है पर्टिकुलरली, फॉर्मुलेटेड क्या बोल, मुझे पता है क्या बोलना है क्या टॉपिक है, बट उसका फाउंडेशन ला रहा एक स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट से कि एग्जैक्टली स्किन में कितने सारे लोगों को इफेक्टेड हुआ, क्यों हुआ है वो पता है, बट कितने सारे लोगों को हुआ है, और उसका कुछ अभी भी रिसर्च चल रहा है कोविड लॉकडाउन के वजह से, व्हाट हैज बिकम द स्किन इश्यूज, किस टाइप के इश्यूज होने वाले हैं जब हम लोग लेट्स से इन द मंथ ऑफ सितंबर में बाहर निकलने वाले, जब फिर से धूप आ जाएगा, बारिश चल रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू हैपन, उसके ऊपर पर्टिकुलरली मुझे मैं प्रोग्राम करूंगा, इट विल बी डेफिनेटली टुमारो एक प्रोग्राम में डेफिनेटली आऊंगा, सो सी यू टुमारो, अगर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए मेरे प्रोग्राम का, जस्ट कम टू माय टेलीग्राम पेज आफ्टर 8 PM, डेफिनेटली 8 बजे के बाद आपको टेलीग्राम पेज में 7:30 बजे टैग के बाद टेलीग्राम पेज में सब नहीं भेजता, ग्रुप में डालता है, अगर आपके ग्रुप में भी ग्रुप से कहीं से नहीं आते हैं आप टेलीग्राम मेरे पेज में आइए, इफ यू आर जॉइन माय चैनल यू गो टू सी द आईडी पासवर्ड देयर, मैं 7:30 बजे के टाइम हर दिन डाल देता हूँ, सो एवरीबॉडी कैन हैव एक्सेस एनी टाइम, यू विल कम एंड सी इट, और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं कहीं पे, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बट इतना ही मतलब इतना ही नहीं, इतना ही था राइट, इतना ही मतलब ऐसे इतना ही नहीं, इतना मतलब इतना था, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन टुमारो, कल हम लोग सब मिलते हैं फिर से, चलिए कल फिर से हमारा मुलाकात होगा यही शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ, चलिए अकल को बढ़ाते हैं, लोगों का अकल को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, एक दिन हमारा शक्ल का वैल्यू सबसे दुनिया में बड़ा हो जाएगा, थैंक यू सो मच, नमस्कार, सलाम अलैकुम, हैव अ ग्रेट डे।